नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वासुदेव होमियो में। होम्योपैथी से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कृमि, पेट के कीड़े, स्टोमेक वर्म्स के बारे में। पेट में कीड़े होना एक आम समस्या है। जब हम पेट में कीड़े कहते हैं तो इसका मतलब आंतों में होने वाले कीड़ों से होता है। कृमि या पेट में कीड़े तीन प्रकार के होते हैं। पहला छोटे सूत की तरह स्मॉल थ्रेड वर्म्स, दूसरा गोल कृमि राउंड वर्म्स, तीसरा फीता कृमि टेप वर्म्स। पहला छोटे सूत की तरह की कृमि स्मॉल थ्रेड वर्म्स, ये इकट्ठी मलद्वार के पास रहते हैं, कभी मूत्र नली या योनि में भी चले जाते हैं और वहां खुजली एवं जलन होने लगती है। दूसरा गोल कृमि राउंड वर्म्स, ये केचुए की तरह सफेद होते हैं एवं छोटी आंत में रहते हैं, कभी उल्टी के साथ कभी शौच के साथ निकलते हैं। तीसरा फीता कृमि टेप वर्म, यह फीते की तरह लंबा और चपटा होता है। इस कृमि का शरीर छोटे खंडों में होता है। यह कृमि हाथों से चिपका रहता है और खून की कमी करता है। पेट में कृमि के कारण। पेट की कृमि बहुत कारणों से हो सकती है, जिनमें से कुछ मुख्य कारण हैं: पेट की सफाई ठीक प्रकार से ना होने के कारण, पाचन संबंधी गड़बड़ियां होने के कारण, दूषित जल व भोजन का सेवन करने से, अधपका मांस खाने तथा अस्वस्थ पालतू पशुओं के साथ खेलने या रहने से पेट तथा आंतों में कई प्रकार के कीड़े हो जाते हैं, कच्चे फल मूल, ज्यादा पके केले, सरी मछली, अधिक मीठा खाना, गंदे पदार्थों का भोजन में प्रयोग करने के कारणों से पेट में कीड़े हो जाते हैं। लक्षण। ये कीड़े यदि किसी रोगी में हो तो उसमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं: नाक का अगला भाग या गुदा द्वार में खुजली होती है, सांस लेने और छोड़ने पर बदबू आती है, मल त्याग करने पर अधिक परेशानी होती है, गुदा द्वार में बराबर खुजली होती रहती है, नींद ना आना, नींद में दांत करमराना आदि लक्षण पाए जाते हैं। कृमि रोग की होम्योपैथिक दवाइयां। यह दवा सभी प्रकार के कृमि के लिए प्रयोग होती है एवं सूत कृमि की यह मुख्य दवा है। सीना 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार। गोल कृमि की मुख्य दवा सेंटोनिन 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। फीता कृमि की मुख्य दवा क्रम 3x की 2 गोली दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। कृमि के रोगों से बचने के लिए परामर्श। हमेशा साफ सुथरे रहें, पानी को उबालकर ठंडा करके ही पिए, खाना खाने और खाना पकाने के पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, पकाने वाले पदार्थों को पकाने से पहले अच्छी तरह से धो लें, बर्तन को गर्म पानी से धोएं, बाहर घूमते समय, खेलते समय या काम करते समय पांव में जूते जरूर पहनें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।